टी ब्रेक तो बाद जो विशा डॉक्टर साहब ने पहले लैक्चर दे विच स्टार्ट कीता उस विषय नूं हुण इस दूसरे लैक्चर दे विच कंटिन्यू करनगे डॉक्टर साहब तां जो जिहड़ी साडी आरंभता है अज दे 27वें सैशन दी उस दे विच जिहड़ी गल असी कोर्स दी कीती सी ओह साडे कोर्स साडे सिलेबस दे नाल भी रिलेटड है। तो वैसे जो असी गल करते हैं जिवें डॉक्टर साहब ने कहा भी इस सारे कोर्स नूं समझण तो पहला असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं समझिए और उहदे लई सानूं दूसरे धर्म ग्रंथां दी जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। तो यह बहुत जरूरी है। हुणे डॉक्टर साहब गल्लां दे विच एक गल कह रहे सी कि उन्होंने किताब लिखी इस विषय ते तो टोटल हुण तक डॉक्टर साहब 47 किताबां लिख चुके ने 47। इन्हां दी एक किताब इंग्लिश दे विच उसका नाम है पार्टीशन। वो चार पार्ट्स दे विच है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और उन्हां चारां दा अगो पंजाबी दे विच वक्रे वक्रे नाम ने। लिखे बाजों सुरत नाहे, रूहां दा रुदना, बेगानियां जूहां, रुत फिरी वन कंबिया। ये चारों किताबां हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड ते पार्टीशन के उपर डिपेंडेंट ने। तो ये किताबां कनेडा की यूनीवर्सिटी एज ए सिलेबस पढ़ाई जा रही ने। उर्दू यूनीवर्सिटी कारनूल साढ़े आंध्र प्रदेश साडा एक स्टेट है उतों की यूनीवर्सिटी डॉक्टर साहब की इस किताब को उन्होंने सिलेबस में फिक्स किया है। सो इन्हों लिखिया किताबा वो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जिन्हों का पंजाब नाल कुछ नहीं है, आंध्र प्रदेश बैठे हुए। तो सानू तो अजिहे विचार की बहुत लोड़ है, सानू ये बारे बड़ी जानकारी की जरूरत है क्योंकि साढ़े अपने बजुर्ग उन्होंने हालातों में निकल के आए जिन्हों हालातों के उपर किताबा डॉक्टर साहब ने लिखिया ने। सो मैं ज़्यादा समा ना लवा, डॉक्टर साहब ने हुण अगले लैक्चर की शुरुआत करनी है। तो लैक्चर तो बाद बेनती कर देवां गुरु का लंगर आप सारिया संगतां लई तैयार है, गुरु का लंगर छक करके जाने कृपालता करनी है और ये रूटीन लगभग सारा सिलेबस दे विच इसे तरह रहेगा। सारे सैशन दे विच एक लैक्चर तो बाद टी ब्रेक, दूसरे लैक्चर तो बाद गुरु का लंगर आपने छक करके जाना है। तो जे किसी का कोई सवाल हो जिवें डॉक्टर साहब ने भी गल की है तो जो आप इतने डायरैक्टली सवाल जवाब करांगे तो उहदे वास्ते समा बड़ा चाहिए। तुसी अपना सवाल लिख के बाहर एक असी बुक्स बनाया है उहदे विच तुसी पा दिओ। जे तुहाडा कोई सुजैशन होवे, कोई तुहाडे कोल साडे इस कोर्स वास्ते कोई सुजैशन या कोई कंप्लेंट होवे साडे बारे, साडे को कमी होवे तां उह सब तो पहलां सानूं तुसी दसना। उह तुसी बाहर बॉक्स लग्या है उहदे विच तुसी दस दे लिख के पा देना तां जो उन्होंने उपर असी उन्होंने सवालों के जवाब भी डॉक्टर साहब को लैके थोड़े नाल सांझे कर सकांगे या जिस भी किसी लैक्चरार दे नाल रिलेटड वो सवाल होणगे। ते बाकी सजैशनस एंड कंप्लेंट्स नूं असी उहदे उत्ते मुताबक भी कार्रवाई करन दी कोशिश करांगे। सो मैं बेनती करांगा डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी उस विषय नूं कंटिन्यू करनगे जिस विषय नूं उन्होंने पहले लैक्चर दे विच छोया। तो डॉक्टर साहब इत्थे आ रहे ने ते आप जी फिर मैं बेनती करांगा लैक्चर तो बाद गुरु का लंगर साहब ने छक करके जाने की कृपालता करनी है जी। डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी शुक्रिया भाजी हरपाल, उतों ही शुरू करते हैं। मैं नंबर भी अपना बोल दूंगा जाना, लिखी लो 8143-80294 80294। जिन्ना कि मैं पता है जो कोई ताड़ा क्वेश्चन होवे तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। 9 बजे तो पहला, 9 बजे तो बाद मैं रात को फोन नहीं चुकता, 9 बजे तो पहला पहला जो मर्जी 8146380294 जाम भाजी गोल्डी हरपाल हो रही नाम दस दो मैं दस दें। तो आप बैक टू पवेलियन वापस आईए, 40-45 मिनट मेरे ख्याल होर है ने मेरे को, मैं कोशिश करा कि सम अप करने की कोशिश करा इन, क्योंकि ये विषय इन्ना वाइड है कि 3-4 दिन चाहिए ने कंटीन्यूअसली अपन डायलॉग करिए। तो फिर क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है तो जिदे जिदे बारे जेकर
तुसीं बाबे नानक दे पुत्र होण दे नाते जे तुसीं उस नूं ना जाणिया ते जे तुसीं उस नूं अपणियां आउण वालियां पीढ़ियां दे चेतियां दा भाग ना बणाया ते तुसीं बाबे नानक दीआं अखां विच अखां पा के गल नहीं कर सकणी। ते इह वेख लिओ कि बाबे नानक दे सामणे आपां जाके शर्मिंदे नहीं होणा, आपां उहदा नादी पुत्र होण दा जिहड़ा है वो बाबा नानक जी दे नादी पुत्र ने ना, तीन पता है तुहानू नहीं पता? गुरु नादी का तो पता है ना कि नादी की होंदा बिंदी ते नादी। बाबा नानक जी दे जिहड़े नादी तीन पुत ने, वैसे चल रहा मैं क्योंकि मैनू सिखां तों डर भी लगता कई बार मैं पुट्ठा शब्द बोल जाना, पर बाबा जी दे तीन नादी पुत वेखो किहड़े ने। पहले ने भाई लालो, भाई लालो बारे तुसी सारे जानते जो कि गरीब परिवार नू ते जिहदे घर भी नहीं सी कोई जांदा। ते दूजा जिहड़ा सी बाबा सज्जन, जिहनू तुसी सज्जन ठग अजे भी कही जांदे जो बाबा सज्जन है, हुण सज्जन ठग नहीं हैगा, ठग सी, ठग दे नाल साडा कोई संबंध नहीं है, साडा ते बाबे सज्जन नाल संबंध है ना। भाई लहणा, तुसीं कहिंदे भाई लहणा देवी पूजक सन होणगे, पर साडा ते बाबा अंगद है ना। सो की है सज्जन, ते तीसरा बाबा कौडा। गल्लां बहुत ने जदों आपां जिंज करन लग पैंदे आ, अद्धा कु मिंट मैं तुहाडा होर लेके। मैनू एक मनोरिटी कमिशन वालों, भारत सरकार वालों एक प्रोजैक्ट मिलिया सी कि बाबा नानक नाम लेवा सिख, शिकलीगर कल्ले नहीं, बाबा नानक नाम लेवा सिख जिहड़े ने उन्हां दियां लोकेशन लभ के एक मैप तैयार करके देना, कुछ नहीं मैं लिखना, लोकेशन लभनियां सी ते एक नक्शा तैयार कर देना सी कि कित्थे कित्थे बाबा नानक जी दे जिहड़े नाम लेवा सिख ने वो मैं आख्या भी ये तो बड़ा सौखा काम है, लिखना भी कुछ नहीं, मैप तैयार करना। पर जदों मैं गया तो बहुत डिफिकल्ट सी क्योंकि बहुत ही पहला जिहड़ा मेरा पड़ा सी। मैं दो मिनट लैने तुहाडे बाबे कौडे की गल की, मैं इस करके मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि बाबे कौडे की कंट्रीब्यूशन की है। तो असीं कहिंदे कौडा राक्ष, अजे भी हटदे सी कौडा राक्ष, राक्ष आपां मैं सारे जणे जिहड़ा मतलब हर चीज़ कहिंदे आ जाए साडे को, तो कई अं कौडे रख जाने। भाई कौडे की कंट्रीब्यूशन किन्नी है, तो करनाटक के जंगलों मैं पहला पड़ा किया, पुरानी गल है। उत्थे हरपाल सिंह जी मैं 12 लोकेशन लभ लिया जिहड़ियां गुरु नानक सच्चे पातशाह के नाम लेवा सिख सन, ना उन्होंने पंजाबी आउंदी सी ते ना मैनू उन्हां दी भाषा आउंदी सी, ट्रांसलेटर सी साडे को जिहड़ा मैनू उन्हां दीआं गल्लां दसदा। वो खुश बहुत होए, खुश इस करके होए कि बाबे नानक दे पिंडों उहदा पुत्तर आया है, किन्नी मुहब्बत करदे होणगे। मतलब हैगा कि ते तुसीं वेख्या होगा कि जदों राष्ट्रपति जां प्रधानमंत्री कई बार जांदा ना कबीलियां च, तो कबीले दे मर्द औरतां ट्रडिशनल वे च नाच करदे ने, वह बन के सारा कुछ ही है ना। एग्जैक्टली उन्होंने मेरा इंज वेलकम किया कि बाबे नानक दा ये पुत्तर आया है। ते उन्हां ने मैं बार बार इस करके दसदा कि मैनूं चंगी गल बहुत लगती है कि जे तुसीं गूगल ते जाओ ते जिहड़ा मूल मंत्र है ना साडा, उहदियां 112 व्याख्या पईआं ने उत्थे, मूल मंत्र दीआं हरपाल जी 112 व्याख्या ने। ते अजे तक असीं दावेदार बहुत आ, मैं पर मैं दावे ना कहिंदा कि व्याख्या वेखो गुरु नानक सच्चे पातशाह ही व्याख्या कर सकदे ने, असीं समझ सकदे हां, अगे जाके आपां इह गल वी करांगे। पर उन्हां ने जिहड़ा जिहड़ी मूल मंत्र की व्याख्या की, मैं अजे भी धन धन, मैनूं लगता कि उस तों व्याख्या कोई भी जिहड़ा मेरे वर्गा प्रोफेसर ते अपने आप नूं फन्ने खां समझदा नहीं कर सकिया अज तक। तो उन्होंने बोली पाई, बोलियां पाउंदे ने जिवें अपने बोलियां पाउंदे ने, ते उह मैनूं ते समझ गई, मैं ट्रांसलेशन करके दसी उह की सी कि जिस घर नानक पूजा, बोली दे उहदे बोल सन कि जिस घर नानक पूजा उस घर देव न दूजा। हुण मैनूं लगदा सी कि इत्थे वननेस ऑफ जिहड़ा अल्टीमेट रियालिटी, एक ओंकार दा तोष्टम है ही नहीं कि जिथे एक ओंकार आ गया, जिथे बाबा नानक आ गया उत्थे बाकी वर्शिप मुक गईआं। जिस घर नानक पूजा उस घर देव न दूजा। तो मैं उन्होंने पूछा कि
अपना बाबा नानक दे नाल मतलब जिहड़ा है बाबा नानक तुहाडा किवें बनिया पीर? वो कहिंदे असल दे विच साडा इक अध्यापक सी बाबा कौडा जी, जिहदे मारफत असी जुड़े हाँ। बाबे कौडे दी ये सारी कंट्रीब्यूशन है लखां दी गिणती विच। तो उन्होंने मैनू एक जिहड़ी उत्थे डिफरेंट गल दसी, क्योंकि आपां ते कौडे बारे होर तरह दा गल करदे हाँ पर ट्रडिशन च की पता, मैनूं पता वट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड इट। मैं तुहानूं इह दस रहा कि मैनूं नहीं पता सच की है, पर जिवें मैनूं उन्होंने दस्सिया, वह कहिंदे कि कौडा तुसीं ते मतलब हैगा कि आपां ते कौडा नूं दंद कढ़ते वड्डे वड्डे राक्ष बनाता तूं इंज करदा सी। असल च वह कहिंदे कि कौडा बाबा जिहड़ा सी उहदी माँ जिहड़ी सी उस ट्रडिशन शी बिलोंग्स टू हायर क्लास एंड फादर बिलोंग्स टू लोअर क्लास। तो फिर कौडा उन्हों का ब पैदा होया, विह हो गया, तो उन्होंने फिर सोसायटी ने मानता नहीं दी, तो कौडा चंडाला च गिड़िया जाने लग पाया। शूदर अजे अधिकार है पर चंडाल में कोई अधिकार नहीं सी कि सोसायटी च आए। तो उन्होंने एक होर जी खूबसूरत गल दसी जी, मैंने बहुत अजे भी मेरे दिल चा तुम्हें मैं सुनाव के अगे तुरदा। वो कहते कि जो कौडा तो बाबा जी सन्मुख होए, साढ़े जी साखी है वह हैगी कि भाई मरदाने बरदाना जी गुस्से हो गए, तो वह कहते यार तू तो बाबा नानक वेला, मैं तो पिंड चलिया। भाई मैं दसो जिन्हें कुल जिंदगी अपनी मुहब्बत च वलीन कर दी हो भाई मरदाने ने, उन्होंने भुख लग सकती ज बाबे नानक तो विछड़ के जी सकता? तो मैनू जिवें उन्हें समझाई कि साड़ी ट्रडिशन च है कि बाबा नानक सच्चा पातशाह हजूर तो भाई मरदाना जा रहे हैं, तो लोगों रोकया कि अगे ना जायो कौडा सिर वढ़ लैंदा। तो बाबा जी तो नोइंगली गोइंग देयर, क्योंकि उन्होंने पता ही कि उत्थे जागया मनुख रहिंदा, जिहड़ा सुता है उन्हें जगाउणा है, उसके अंदर चेतन प्रकाश है, पर उस प्रचंड प्रचंड करना है। तो कहिंदे जो कौडा बाबा तो गुरु नानक पातशाह एक दूजे के सामने खड़े ने, तो कौडे ने कहिंदे एक शब्द बोलिया सी, हरपाल सिंह जी वो सारे दस्या करो तुसीं जानदे जो, तो कौडे ने कहा ओए तू बंदा तो नहीं, बाबे नानक नूं कौडा कह रहा ओए तू बंदा तो नहीं, लोग मेरिया अखां विच अखां पा के मर जाते ने, मैं तेरिया अखां विच अखां पा के मर गया हाँ, अज तो बाद मैं तेरा बंदा। यार इस तो वड्डा पावरफुल शब्द है कि संसार च कि मैं तेरिया अखां च अखां पा के मर गया हाँ, अज तो बाद मैं तेरा बंदा। तो उस दिन तो बाद कौडा बाबे का बंदा बन के विचरिया, तो लखां की गिणती दे विच वो पैरोकार ने जिहड़ियां उह लोकेशन दे विच जिहड़ियां असीं उह तैयार कर रहे सी। सो ये साड़ी विरासत है जिसनों आपां इस कोर्स के माध्यम राही अगे लेके आवांगे हौली हौली। तो आपां आ जाइए, आपां गल कर रहे सी गुरु ग्रंथ साहिब दी, ते आपां गल कीती सी वर्ड धर्म ग्रंथां दी, ते आपां गल कीती सी अठ धर्म ग्रंथां दी। हुण सिंपल जी गल मैं तुहानूं समझाउण दा यतन करां कि साड़ी ट्रेजडी ये है कि सानू ना धर्म ग्रंथ का पता है अज तक, ना ग्रंथ का पता है, तो ना ही पुस्तकों का पता है कि होंदियां की ने। ध्यान दिओ कि धर्म ग्रंथ जिहड़ा है वह ग्रंथ नहीं हो सकता, तो ग्रंथ जिहड़ा है वह पुस्तक नहीं हो सकती। तिन्ने ही वक्खो वक्खरे जिहड़े इन्हां दीआं फॉर्म्स ने, ये वक्खो वक्खरे रूप ने। हुण जिहड़ा धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ इस ट्रडिशन भी है तो लिखत भी है कि धर्म ग्रंथ किसी मनुख की रचना नहीं होंगे। हम ये बड़ा वाला क्वेश्चन है कि धर्म ग्रंथ जिहड़ा है वह किसी मनुख की रचना नहीं होंगे, तो जिहड़ा ग्रंथ है ग्रंथ किसी मनुख तो बिना लिखा ही नहीं जा सकता। ध्यान दिओ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਦੈਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है, पंचम पातशाह दे बोल ने शायद तुरकी बाणी आई, होर बहुत सारा सारिया गल्लां ने, हों आपों बोल ना जानदा।
अनेक शब्द जिहड़े ने जिहड़े ये गल दसदे ने कि ये पवित्र बोल जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज ने ये किसी मनुख की रचना नहीं हन, ये आसमाना तो उतरे ने। होर तुसी साखियां चले जाओ, हुण साखियां जिहड़ियां ने ना उन्हां ते इंज सुहागा नहीं फेरिया जा सकता जिवें आपां लग पए ने। साखियां लोरियां ने, माँ लोरियां सुणाउंदियां ना बच्चों, बच्चा ज़्यादा सीखता माँ को, तो सौखे तरीके दे नाल सानू समझाउण लई साखियां ने। तो उहदे विच भी दर्ज है, उहदे विच की दर्ज है कि मरदानिया रबाब बजा बाणी आई है, उत्थे की है तुरकी बाणी आई, इहदा मतलब है आई, इहदा मतलब है उहदा सोर सदर है कि तुरकी बाणी जिहड़ी आई है उहदा सोर सौतरों आ रहा है आई। इत्थे भी है कि मरदानिया रबाब बजा बाणी आई है। सो की है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये मैनशन हो गया कि गुरु ग्रंथ साहिब का एक भी शब्द किसी मनुख की रचना नहीं है, ये रब्बी बोले ने जिहड़े उतरे। हुण जिहड़ा धर्म ग्रंथ जिहड़ा ग्रंथ है, मैं कहा कि धर्म ग्रंथ का हर शब्द जिहड़ा है पाक आसमाना तो उतरिया है। तो मैं तुहानू ये भी कहा कि जिहड़ा ग्रंथ है वो किसी मनुख की मनुख तो बिना लिखिया ही नहीं जा सकता। हुण की करता है वो मनुख साढ़े वर्गा नहीं है, वड्डे मनुख ने, जिन्हां ने वड्डे ग्रंथ लिखे, उस वड्डे मनुख कोल, उस महामानव कोल जिसने पवित्र ग्रंथ रचे, पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं पवित्र ग्रंथ लिखे, उहदे कोल दो टूल चाहिए ने। ध्यान रखियो कि उहदे कोल दो सोर्स होणगे ते फिर वह ग्रंथ लिख सकता है। वो दो टूल की ने, सब तो पहला फिर्म फेथ कि उसका पूर्ण विश्वास अपने धर्म ग्रंथ प्रति, कि उस बंदे कोल पूर्ण विश्वास होवे अपने धर्म ग्रंथ दे बारे। ते दूसरा टूल की होवे क्रियोसिटी जिज्ञासा, कि उहदे अंदर जानण दी प्रबल इच्छा भी होवे। समझ लगी मेरी गल दी, कि सब तो पहला तो उहदा फिर्म पूर्ण विश्वास होवे अपने पवित्र धर्म ग्रंथ च। गुरु ग्रंथ साहिब सपोज मैं करिए कि जे लिखिया है सूरज प्रकाश लिखिया है, तो सूरज प्रकाश दे करते दे कोल पूर्ण विश्वास चाहिए है गुरु ग्रंथ साहिब का, फिर लिख सकता है। तो नाल ही उसके करते कोल जिज्ञासा भी चाहिए है, तो फिर की करता है कि वह दोवें हथियार लेके पवित्र धर्म ग्रंथ में चुंबी ला देता है, उहदा मंथन करता है, उहदे विच चुंबी ला लैंदा है। ते जदों चुंबी लाउंदा है जिन्नी भी उहदी समर्था है, जिन्नी भी उहको ज्ञान है, उहदे मुताबक एक ग्रंथ की रचना कर लैंदा है। ते मेरे ख्याल दसम ग्रंथ है ना कि आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पेन पेन तोहे ते, हुण पेन पेन आ गए ना इत्थे, कि जदों ग्रंथ का रचना करता है तो अपनी बुद्धि नाल करता है, तो बुद्धि जिहड़ी आ भिन्न भिन्न है, तो इस करके उहदा वर्णन भी भिन्न भिन्न तौर पर कर दिंदा है। सो धर्म ग्रंथ उत्ते कदी भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, वो क्वेश्चन मुक्त है। धर्म ग्रंथ उत्ते क्वेश्चन नहीं उठा सकते तुसीं, क्योंकि वो पैगंबरी बोल ने, पर ग्रंथ जिहड़ा है क्वेश्चन युक्त है, क्वेश्चन किया जा सकता है क्योंकि मनुख की रचना है। तो की है कि ग्रंथ का जिहड़ा लेखक है वो इन्हां दो साधना के माध्यम राही पवित्र धर्म ग्रंथ विच अंदर जाणदा है। उदाहरण लई गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग ने, ते पहला राग किहड़ा है श्री, है ना, श्री राग है, ये श्री श्री राग है। ते भला श्री राग तुहानू पता है किहड़े समें दा राग है, शाम अनेरे दा राग है, जदों माझे च मैनू नहीं पता इत्थे की कहिंदे उहनू, कहिंदे कुसमुसा,
कि जदों ये तो पता लगता है कि सामने कोई आ रहा है पर यह नहीं पता लगता कि वह ह्यूमन बीइंग है जां कोई होर है, वो दिस रहा है कुछ आ रहा है। सो असी आपा की कहने गुरु ग्रंथ साहब न, गुरु ग्रंथ साहब साडा चानण मनारा है, यही कहने ना। तो मैनू हुण तुहाडे जेहन च इत्थे क्वेश्चन एक हिट करना चाहिए कि यार चानण मनारे का पहला राग बाबा जी ने हनेरे तक मिलाता, हुण जे क्वेश्चन नहीं आता यार फिर समझोगे किवें गुरु ग्रंथ साहब नूं। मैं इसे करके कहना कि गुरु ग्रंथ साहब का मंथन करना बनता है, उहदे च चुंबियां मारो, पातशाह नाल मुहब्बत करो, उन्हों को भाई सानू सानू दस दे कुछ, असी तो बेच तरना है ये, असी तो मुहब्बत करनी है इन्हों बोलों, तो मुहब्बत कर दो पहले जेकर स्ट्रक्चर का ही नहीं पता तो मुहब्बत किवें करोगे यार। ताड़े महबूब का घर तो पता होगा ना, फिर ही जाओगे ना यार, जे महबूब का घर ही नहीं पता तो मारी जो टक्कर। तो पहला राग है श्री राग, हनेरे का राग, तो लाया क्यों श्री राग यार, नाले कि चानण मनारा पहला राग श्री राग लाता। हुण ए रीजन वेखो, इहदा एनालिसिस करो कि जदों कोई भी बंदा नवी थां नवी टैक्सट जां नवे देश विच जांदा है तो की हुंदा है, हनेरे च हुंदा है, वो डरदा डरदा है, अंदर एंटर नहीं करदा, इधर उधर वेखदा है। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब दा मंथन करदे साडा भी यही हाल हुंदा है कि यार साडे कोई गलती ना हो जाए, असी किवें एंटर करिए, इत्थे है की। पर श्री राग दे माध्यम राही जदों एंटर कर जांदा है तो फिर पातशाह ने तीवां राग कि लाया है, प्रभाती राग है, फिर तीवां प्रभाती को लाया। ये एवें एवें नहीं पैगा कि इतने राग लाता तो इतने राग लाता, एक वड्डी मतलब फरिश्ता है, एक वड्डा पिछे जिहड़ा दैवी फरमान है कि तीवें राग जदों एंटर किया तो प्रभात हो गई, श्री राग राही एंटर होया, पढ़िया प्यार किया पातशाह नूं, मुहब्बत च गलुच हो गया, ज्ञान हो गया, प्रभात हो गई। तो जदों जिहदी प्रभात होगी अगला राग किहड़ा लाता, जिहड़ी प्रभात होगी जय जयकार ते उहदे होगी सरबजिंदर जार पाल दी धुनी नहीं, बाबा बोता सिंह है ना, बाबा बोता सिंह अमृत ते छाका आ ते इशनान करन भी जावे रोज, ते एक दिन जा रहा है ते रस्ते च मुगलिया हुकूमत दे अहलकार बैठे ने, मुजरा चल रहा है, मीट बन रहा है, ते इधरों बाबा जी बाणी पढ़ते जा रहे ने, ते वो कहिंदे ने पैरां दा खड़ाक हुंदा, कहिंदे वो ये सिख आ गया कोई, तो वो कहिंदा बह जा सिख ते खान जी ने मार मका दिते, ये कोई कां कुत्ता चोर होएगा। हुण वेखो तीन शब्द बोले, कां कुत्ता चोर होएगा, ते भाई बोता सिंह दे अंदर रैसलिंग होनी शुरू हो गई, तुहानू किहड़े वेले मतलब तुहानू पार लंघ जाणा, तुसीं किहड़े शब्द ने तुहानू पार लंघा देणा पता ही नहीं। मन हुण दो गल्लां, जे ते अपने वर्गा हुंदा ते भज जांदा पिछा, हुण जाकर रजाई चढ़ के समझदा कल नूं टेक लांगे मत्था यार गुरद्वारा साहिब हरिमंदर साहिब, कल नूं इशनान कर लांगे, पर उत्थे खलो गया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੇਸ ਮੀ। ਹੁਣ ਫੇਸ ਮੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਲਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਰਹਿ ਨਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਵੇਂ ਰਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਮੰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ,
पुस्तक दे विच इको तरह का टूल हुंदा है, दैट इज कॉल्ड क्रियोसिटी, जिग्यासा, कि अदर धर्म का बंदा अदर धर्म बारे जिग्यासा रखता है पर उहदा फेथ होर है, वह पुस्तक की रचना कर दिंदा है। तो तुसीं वेखोगे कि सिख धर्म उत्ते मैकालफ ने लिखिया, मैकलॉड ने लिखिया, इंदू भूषण बैनर्जी ने लिखिया, पता नहीं किन्ने लिखिया, वो अदर धर्म नूं बिलोंग करते हैं पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना कर दिती। हुण धर्म ग्रंथ जिहड़ा है सिखां दा, इह दावा है कि सिख गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ी तुरकी बाणी है ते साडा वड्डा है। यार ताडा किवें वड्डा हो गया कि तुरकी बाणी है ते ताडा वड्डा है? ये इंज ये धक्का ना करो, जो सारे तुरकी बाणियां अठ दे अठ ही जो तुरकी बाणी मने जाते ने, रब दे बोल ने, तो फिर वह भी उन्ने वड्डे ने, वह भी उन्ने सत्कार दे पात्र ने। पर इस दे बावजूद जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब है वह उन्हां तों डिस्टिंक्ट है, वो सानू वेखना पएगा। तो गुरु पातशाह ने लिखिया, गुरु ग्रंथ साहिब मंचन है कि तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, मैं तुहानू किहा दस्सिया बाइबल नू चुक लो, पवित्र बाइबल दे विच जाओ खोलो। उन्हां दा जिहड़ा गुरु नानक सच्चा पातशाह है उहदा नां है यिर्मयाह, ते यिर्मयाह किवें कह रहा है कि तुरकी बाणी है बाइबल सारी, बड़े पवित्र बोल ने, ध्यान नाल सुणो। यिर्मयाह कहिंदा कि परमेश्वर ने मैनू कहा मैं तैनू नबी चुन लिया है। तुहानू कदी पढ़िया है सुल्तानपुर लोधी जदों पातशाह ने एंट्री की, तो आप भी कहने ना कि गुरु दरबार उत्थे पहुँच गए तो सामने परमेश्वर है, इतने भी उही है कि परमेश्वर ने मैनू कहा मैं तैनू नबी चुन लिया है। मैं कहा हे परमेश्वर मैं तो अजे बाल हाँ। हुण डायलॉग हो रही है रब की, तो यिर्मयाह की जिहड़ा उन्हां दा पैगंबर है जिहड़ा उन्हां दा बाबा नानक सच्चा पातशाह, कि उन्हें कहा मैं तैनू नबी चुन लिया है, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया यिर्मयाह कि नहीं महाराज मैं तो जो बच्चा वा, मैं तो जो बाल हाँ। फिर कहिंदा मेरे मूँह विच ते जबान नहीं है। दो फिर तीजा कहिंदा चल मन भी लिया, तू कहिंदा मैं पैगंबर हाँ पर लोग मेरा आखा किवें मनणगे, लोगों ने थोड़ा मनना। तो बाबा नानक भी की कह रहे ने, कोई कह भूतना कोई बेताला कोई कह आदमी नानक बेचारा। बाबा जी भी यही कह रहे ना कि कोई कहिंदा यार इहदे भूत लगता, तो कोई कहिंदा छड परां हरपाल सिंह भूत पात कोई नहीं बेताला ढिला है, तो कोई भाजी गोल्डी वर्गा कहिंदा वह नहीं, वह तुहानूं दोवां नूं मुड़िओ पता नहीं गा, ये तो है ना आ बेचारा सीधा आदमी। वेखो मैता कालू का इको एक मुंडा तो भी ये वर्गा निकलिया, कोई कह भूतना कोई बेताला कोई के आदमी नानक विचारा, पगे विचारा दस। तो यिर्मयाह भी यही कह रहा है कि लोग मेरा आखा किवें मनणगे, तो वापरिया की कहिंदा यिर्मयाह कह रहे ने कि परमेश्वर ने अपना मुख मेरे मुख उते रखिया अते किया मैं अपना शब्द तेरे मूँह विच पा दिता है, किस दी की मिजाल तेरा कोई हुक्म ना मने। ये आ भाई तुरकी बाणी, तुसी मैनूं दसो कि इन्हां बोलां ते तुरकी बाणी च कोई फर्क हैगा? एग्जैक्टली उही है ना, वो कहिंदा मेरा कुछ नहीं, ये तो उन्हें मेरे मूँह च पाते जा ते मैं तुहाडे नाल सांझे कर लिया। मैं दो तीन ही रैफरेंस दूंगा क्योंकि बहुत लम्मा चल जूंगी। अगे मैं पवित्र कुरान की गल करां, पवित्र कुरान तुहानूं पता है कि मुहम्मद साहब दे मार्फत उन्हां दे पैगंबर ने, तो उन्होंने मार्फत जिहड़ा है पवित्र कुरान दियां जिहड़ियां आयतां ने उतरियां, तो लगातार 23 तक ये वर्तारा वापरदा रहा 610 तों लेके। तो मुहम्मद साहब जिहड़े सी तुहानूं इह भी पता है कि वो यतीम सन, माँ प्यो मर गया बचपन जब पैदा नहीं होए, तो माँ मर गई जदों 5.5 साल दा सी ते यतीम सी, ते उह कहिंदे अक्सर हिराना दी गुफा च बैठ जांदे, एक गुफा है उत्थे उस बैठ जाते, तो तीन सवाल रब नूं करदे। वो तीन सवाल की सी कि ओए तू की है, फिर वो कहिंदा ओए आ जिहड़े ने ये की ने, क्योंकि ये जिहड़े सी सारे ये जदों भी जी करदा मुहम्मद साहब दे सिर ते पटोकी मार के काम कर लै जांदे,
ते फिर उन्हूं कहिंदा कि मैं यतीम क्यों। तो इस्लामिक ट्रडिशन च है कि जदों वह कहिंदा मुहम्मद साहब कहिंदे कि मैं यतीम क्यों, तो बाबे का पीड़ा फैल जाता हुंदा सी। ते कहिंदे फिर एक दिन उन्हें जबराइल फरिश्ते नूं भेजिया ते उन्हूं कह कि तू रब का पुत्र। तो उस दिन तो सारी रेवलेशन जिहड़ी सी होनी शुरू हुई, तो उहदे विच बड़े पवित्र सोहणे बोल ने मैं तुहानूं दस्सदा। इस तरह जिवें बाबा नानक जी कह रहे हैं, जिवें गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे महाराज, वो की है, वो कहिंदा कि रब कह रहा है, कहिंदा हे मुहम्मद किन्ना चंगा है तू अनपढ़ है, क्योंकि मुहम्मद साहब पढ़े नहीं सी, किन्ना चंगा है तू अनपढ़ है, नहीं तो लोगों ने कहना सी ये तेरे बोल ने। समझ लगी कि मुहम्मद साहब कह रहे ने, अल्लाह कह रहे ने कि हे मुहम्मद किन्ना चंगा है तू अनपढ़ है, नहीं तो लोगों ने कहना सी ये तेरे बोल ने। एक होर मैं तुम सुना बड़ी खूबसूरत, वो कहिंदा हे मुहम्मद जोर जोर दी मूँह हिला के याद करन दी कोशिश ना कर, कि हे मुहम्मद जोर जोर दी मूँह हिला के याद करन दी कोशिश ना कर, ये मेरे शब्द ने मैं आपे याद करा देने। एक होर तुहानूं दस दिंदा, वेदन पवित्र वेद बड़े खूबसूरत भारतीय ट्रडिशन के ग्रंथ ने। इहदी ट्रेजडी यह है कि इस पवित्र धर्म ग्रंथ नूं इस कम्यूनिटी ने ही पासे कर दिता, क्योंकि वेदा दे विच जो वेदार्थी ज्ञान है तो वेदा दे विच जो है वह मंथन करना बनता है। पर तुसी वेखोगे कि भारतीय ट्रडिशन दे विच जो भी खुशी या गमी होंदी वेदा दे माध्यम राही नहीं होंदी होनी, तो वेदा के माध्यम चल रही। सपोज सिख गुरु ग्रंथ साहब नूं पासे करके भाई गुरदास दीआं वारां नाल मुहब्बत कर ला पैंदे, साडे लई सत्कार त ने भाई गा। अं कहिंदे आ कि हालांकि अं वी हरपाल सिंह जी दावा ही करदे आ कि पूंजी आ, कदी गुरु ग्रंथ साहब मैनूं दसो किसी ने भाई गुरदास दीआं वारां दे विच्चों शब्द पढ़ के खोलिया, दसो हां कोई है अजे पूंजी आ। पूंजी नूं वरत्या नहीं तुसीं कदी, तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब समझ किवें लगूगी कि भाई गुरदास, आपां पढ़दे आ ना बाणी पढ़दे आ, ये नहीं मैं कहता कि माड़ी गल है बाणी पढ़नी चाहिए है, पर जे पातशाह ने कहा कुंजी है तो तुहानूं भाई गुरदास दीआं वारां जां कवित सवैये पढ़ के खोलना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब, महाराज का प्रकाश करना चाहिए। तुसीं मैनूं एक भी दस दो कि कभी मैं तो नहीं अपनी जिंदगी सुनिया कि भाई गुरदास दी कवित सवैये जां उन्हां दीआं जिहड़ियां वारां ने किसने पढ़ के सच्चे पातशाह हजूर का प्रकाश किया होगा। हुण सिखां दी इर तों वध वग्या की हो सकदी भले हो, बाबा जी ने कहा ना तुसी कहिंदे जो मैं भी कहिंदा, पर चाबी लाउंदे नहीं, चाबी लावांगे तो सानू समझ लगनी है। चलो आ जाओ उत्ते। सो की है कि पवित्र वेद छड के उन्होंने अपने ग्रंथां नाल मुहब्बत की, दखांत वापरिया। उत्थे की है तुरकी बाणी का बड़ा ही खूबसूरत, उत्थे दो ऋषि ने, एक विमन है एक मैन है, एक दा नाम है जिहड़ा आदमी उहदा नाम है याज्ञवल्क्या, ते औरत जिहड़ी ऋषि है उहदा नाम है मैत्री। कदी पढ़न की कोशिश करियो याज्ञवल्क्या ते मैत्री दे डायलॉग, मैं इस इत्थे बोलते रहा लोगों ने कहना आर एस एस दा, आर एस एस दा नाल दी नाल शुरू हो जाणी है, ये भी बहुत वड्डा साडा आर एस एस खा गई, किवें खा गई यार, असीं पातशाह हजूर दे सिख हां, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा हजूर नूं जे खा गया ते फिर मर गए असीं, इंज नहीं वापरदा होंदा, कोई किसे नूं नहीं खांदा, जे असीं पातशाह नानक दीआं अखां च अखां पा के गल कर तुहाडे वल कहिड़ा अखां च अखां पा लूगा, एवें डरिया करो। सो की है कि वह डायलॉग पढ़ियो याज्ञवल्क्या ते मैत्री दे, जरूर पढ़ियो, किताब खरीद लो, बड़े खूबसूरत सवाल ने। तो सवाल के कहने निके निके सवाल, मैत्री पुछदी है हे ऋषि ये वेद की हन, ते याज्ञवल्क्या बड़ा सुंदर जवाब दिंदा है, बड़ा गंभीर जवाब है, ध्यान नाल सुनियो, वो कहिंदा कि मैत्री वेद रब दे स्वास हन, कि रे जिहड़े वेद रहे एडे उच्चे ने कि वह रब का साह है, जे साह उहदा मंद हो गया
तो संसार खत्म। इस श्वास इस करके ने क्योंकि वेद ने, नहीं तो संसार खत्म हो जाए। सो स्वा अपने आप इतने बैठे नहीं तो गोल्डी जी उन्हें अपन आन देना जी अपने को श्वास ना दे इन्हें कहने बाहर लेके जाओ यार उधर जल्दी 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 ला जाओ साढ़े को ना। सो की है कि मेरा कहने तो यह भाव सी कि हर पवित्र धर्म ग्रंथ के विच यह अंकित है कि यह रब दे बोल ने पवित्र ने नतमस्तक होना चाहिए है। पर हूँ इतने जो टेढ़ा सवाल है जो बहुत गंभीरता नाल तुसीं सुनना है कि जे ये रब दे बोल ने ते ये बाकी पैगंबरां ने लिखे क्यों नहीं सी ते गुरु नानक बाबा लिखदा क्यों है। बाबे नूं की लोड़ पई सी बाकियां वांगू वी याद करी जांदा बाबा नानक क्यों लिखदा है। सो ये गल दसण लई मैं तुहानूं तीन उदाहरणां देना बड़ियां सौखियां तुहानूं समझ लग जाएगी कि ओरल ते रिटन ट्रडिशन की हुंदी है ते ओरल ट्रडिशन ने हिंदुस्तान का नुकसान हिंदुस्तान का कि संसार का नुकसान किन्ना। मैं थोड़ा जिहा फिर कर्नाटक के जंगलों जाऊँगा जदों मैं उत्थे सिखां को पहुँचा सी बाबा नानक नाम लेवा च तो उन्हें मैंने दस्या कि आ प्लेस वो है जिहड़ा बंदा साडा सोना बना लैंदा सी ही कैन मेक द गोल्ड। मैनू लगा भी उंजी मारी जांदे ने मैं क्या अच्छा अच्छा जी। तो उन्होंने हरपाल सिंह जी उत्ते कोई अबारत लिखी सी मैनू पढ़ के सुनाई ट्रांसलेटर ने मैनू पंजाबी च उल्टा कर दिता तो की सी लिख लियो तुसी भी वो है कि नुस्खा है गोल्ड बनाउण दा वो की सी संख सुहागा फटकड़ी। ये सारिया पंसारी दी दुकानां उह चीज़ां मिलदियां ने संख सुहागा फटकड़ी विच चौथा पाया ओ। हुण इत्थों ट्रैजडी शुरू होंदी आ ओरल ट्रडिशन दी कि साडी समस्या की कि साडे वड्डे जिहड़े बहुत चंगे सी पर साडे वड्डे जिहड़े सी सानूं कुछ देना नहीं चाहुंदे अहीं वी नहीं देना चाहुंदे जिहड़ी शीट ते मैं बैठा मेरा जी कहिंदा कोई होर ना पढ़ के मिलता आ जाए इह साडी समस्या है। इत्थे मेरे च नहीं है ये मेरे बजुर्गां चों आई है कि जिवें उहने कहिंदा विच चौथा पाया ओ लख लाण ते इस कबर दे जे सोना ना हो। साथ ना बेचारा मेरे वर्गा फ्री जावे मैं हैगा कि वह लभदा। हुण ये गल मैनू उदों लगी कि एवें गप मारदे ने। अल्टीमेटली एक प्रोजैक्ट मैं होर किया भाई रणधीर सिंह होरां ते भाई रणधीर सिंह होरां तुसीं पढ़िया होगा जेल चिट्ठियां वाले भाई रणधीर सिंह गदरी बाबे भाई रणधीर सिंह होरी कुछ भी कहोण तुहाडा तुसीं मनो जां ना मनो पर भाई रणधीर सिंह सिखां दी उह शख्सियत है जिहड़ा अपने मखारबिंद तों झूठ नहीं सी बोल सकदा कदी रब दी रूह सी उहनां दे। हरपाल सिंह जी शायद पता नहीं तुसीं वेख्या होगा कि उहनां दी जेल चिट्ठियां दे विच जदों गदर मूवमेंट है तो फड़े जाते ने ते मीता जी हर उन्हां नूं लै जांदे ने बिहार जेल च जिस जेल दे विच जिस काल कोठरी विच बाबा जी नूं ताड़ता उहदे सामने एक होर बंदा सी जिहड़ा बिहार दा सी ते जिन्हें अनेक माड़े काम कीते सी ते जिहड़ा निरंतर कराई करदा सी कि मैं मर जा बहुत पेन दे विच सी। वो कहिंदा कि जदों मैं इस बंदा ए दे सामने बैठा मेरी दर्द हट गया यार मैनू पेन होनी हट गई आ भी कौन है जिहदा बंदा दाढ़ी रखी आ जिन्हें सिर वो कहिंदे सिख है बाबे नानक दा। ये मैनशन है उस किताब च किताब जेल चिट्ठिया पढ़ के वेखियो मैं कोई अपने तौर पर नहीं गल कर रहा। हुण उत्थे की है कि भाई उन्हें कहा कि इन्हां नूं कहो मेरे लिए ना जिहड़ी इन्हां दी प्रेयर हुंदी आ वो करन कि मेरी मौत हो जाए क्योंकि मैनू अजीवन कारवास है। भाई रणधीर सिंह होरां नूं दस्सिया तो वह कहें हस पे वो कहें कि चढ़ती कला लई अरदास ते हुंदी आ मरन लई अरदास नहीं हुंदी। भाई रणधीर सिंह मैनशन है अरदास कीती वो कहें रिकवर होना शुरू हो गया ते फिर उन्हें पुछया कि भाई जी तुहाडे वर्गा पवित्र बंदा जेल च क्यों मेरे वर्गा ते होवे ते उन्हें दस्सिया कि देश गुलाम है। वह कहें गुलाम की हुंदा ते देश की हुंदा ना उन्हें देश का पता सी ना उन्हें गुलामी का पता चल दस्या वो कहता भी तुही ते रब जो मैं तुहानूं एक नुस्खा दसदा ये नुस्खे दे नाल सोना बन जाता तुसी बाहर जाओगे सोना बनायो ते ये भला काम करो। भाई रणधीर सिंह कहिंदे ने मैं जदों वस्तां मंगाईआं ते बनाया ते सोना बन गया हालांकि कैमिस्ट्री इस गल नूं नहीं मानती जिहड़ी मैं कह रहा तुहानूं साइंस नहीं मानती इस गल नूं। हुण उह कहिंदे सोना बन गया ते कहिंदे मेरी जिहड़ी सुरती सी उह विचलित हो गई
कि मेरे ध्यान से होना भी इन्ना क सोना बना के तो स्कूल बना देंगे, इन्ना क सोना बना के कॉलेज बना देंगे। गल इन चल गई, मैं फिर लगा कि एवें मार दे यार, इन सोना थोड़ा बन जूगा। कमिस्ट्री वाले कहते नहीं बन जाता। साडा एक प्रोफेसर हुणे बेचारा तुर गया, उहदा नाम है गुलजार कंग, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च। मैनू पता लगा कि गुलजार कंग दे पिंड एक बजुर्ग है जिहनूं सोना बनाउणा आउंदा। हुण इह हैरानी वाली गल सी, हुण दी गल नाले बिल्कुल। मैं गुलजार कंग को कहा, कहिंदा आपां चलदे आ, रौला इंजी आ, कहिंदा मैं वेख्या तां नहीं। जदों असीं गए उस पिंड च ते साडे जांदिआं नूं बजुर्ग चल वसिआ सी, असीं उहदे बच्चिआं नूं पुछिआ, कहिंदे जी सानूं ते आप नहीं पता लोकी कहिंदे ने, पर साडा बजुर्ग इंज करदा सी कि जदों किसी गरीब दे घर विआह हुंदा सी किसी दी बेटी जां बेटे दा, ते ओह रात नूं उहदे घर जांदा सी ते कुछ कहिंदे उहनूं दे के आ जांदा सी। ओह दे के की आउंदा सी सानूं नहीं पता, लोकी कहिंदे सी ओह सोना दे के आ जांदा। हुण पता नहीं व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड इट, पर यह है कि यह ओरल ट्रडिशन चलता रहा, जिथे मैं तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब ते लिख के आउंदा फिर, कि ओरल ट्रडिशन दे विच बहुत कुछ चलता रहा। सानूं ओरल ट्रडिशन पढ़ना, इसे करके आते कहिंदे ना सर्जरी दा इत्थे कमाल है, सी नाट कमाल है, पर वह सर्जरी तो दसी नहीं किसी ने भी किमें करते। सो की है कि ओरल ट्रडिशन मुख दे विच रहा, क्योंकि भारतीय ट्रडिशन सी कि जो मुख में है वो ही पवित्र है, जो लिखत में आ गया वो अदर का हो गया, दूजे नूं देना नहीं चाहते। तो इस दे उत्ते तीन वड्डियां वड्डे थीसिस लिखे गए संसार दे विच। उस जिहड़ा सब तो पहला थीसिस आया सक्रात तो भी पहला, उस बंदे दा नाम सी हिराकलीट्स, मैथमेटिशियन सी, अलजबरे दा थ्योरम दा प्रोफेसर। उन्हें अपना थीसिस जिहड़ा लिखिया ते उहदा मैं तुहानूं निचोड़ दसण लगा, ध्यान नाल सुणिओ, मेरे वल पहला मेरे वल वेखिओ फिर सुणिओ। उह कहिंदा कि जदों मैं अपना पहला पैर दरिया विच रखिया, जदों मैं अपना पहला पैर दरिया विच रखिया, दूजा पैर रखने तो पहला दरिया बदल चुका। यह है ओरल ट्रेडिशन दी ट्रेजेडी। वो कहिंदा यार तुसीं कहिंदे जो कि हजारां साल साडे धर्म ग्रंथ पुराने ने, वो लिखे इन्ने सालों बाद गए फिर भी पवित्र ने, कहिंदा मैं नहीं मानता। मैं कहिंदा तुहाड़े सामने एक पैर रखिया वा दरिया च, और मैं दूजा रखण लग्गिया पानी तो रहा नहीं, ते जदों पानी नहीं रहा ते धर्म ग्रंथ जिहड़े उतरे ने वह किवें पवित्र हो सकते ने, वह तो बदल गए होणगे, उहदे विच ते जमा कटाओ हो गया होएगा। हुण हिराकलीट्स नूं जवाब दिता उर तों हजारां साल बाद एक बंदे ने जिहदा नाम सी कोपरनिकस। तुहाडे चों जे कोई साइंस दा विद्यार्थी होवे तुहानूं पता होगा कि कोपरनिकस जिहड़ा सी उह स्पेस दा साइंटिस्ट सी, ते उहने पहली वारां दस्सिया सी कि सूरज जिहड़ा उह खलोता है धरती घुम्मदी आ। ते फिर होया की सी कि जिहड़ा क्रिश्चियनिटी है उहने उहनूं पनिश कीता सी कि बाइबल दे विच ते लिखिया है कि धरती घूमती है, बाइबल दे विच ते लिखिया है सूरज घूमता है तो धरती खलोती है, तो तू कह तेनूं पनिशमेंट देवांगे। तो की होया कि पहला तो उन्होंने कहा कि इन्हूं जिउंदे नूं साड़ दो, तो फिर उन्हूं उन्होंने जेल च सुट दिता सी, ते सारी उम्र बेचारा जेल च रही के उन्हूं अर्थराइटिस हो गया सी ते बीमार हो के मरिया। उहदा इक चेला सी, उहदा नाम सी गलीलियो। गलीलियो ने दूरबीन बनाती, तो उन्हें कहा वे उल्लू जो कोपरनिकस कहिंदा सी उह ते सच कहिंदा सी, आ उह दिखावां, आ वेखो सूरज खलोता ते धरती घूम रही। उन्हें गलीलियो नूं फड़ लिया, तो कहिंदे कि गलीलियो नूं उहदी दूरबीन समेत, क्योंकि इहदे शैतान आ गया है, अग्न भेट कर दिता जाए। तो गलीलियो सी साडे वर्गा थोड़ा चलाक, उन्हें कहिंदा मैं इहना मार देना मैनूं। उह कहिंदा मैं माफ़ी मंग लैना, मैं माफ़ी मंग लैना। उन्हें माफ़ी मंग ली, पर गलीलियो ते कोपरनिकस नूं याद क्यों करदे आ कि जिहड़ी उहने माफ़ी मंगी ना वह रब वर्गे बोल सन। वह की माफ़ी मंगी कि उहने कहा कि असल सत ते दूरबीन है, पर मैं बाइबल ते सत नाल सहमत हां कि असल सत ते दूरबीन है, मैं बाइबल ते सत नाल सहमत हां। ते उहने कहा जिंदाबाद, छड्ड दो छड्ड दो छड्ड दो, बच गया। फिर वह थले उतरदा एज चढ़ाया सी ना एवें चढ़ाया सी, ते जदों ऐसे ते हरपाल सिंह जी पैर रखिया ना उहने थले, कहिंदा हुण इह कह देण नाल किहड़ा जिहड़ा है सूरज ने घूमना शुरू कर देना ते धरती हो जाणा।
ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਗਲੀਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਮਿਸਟਰ ਹੇਰਾਕਲੀਟਸ ਇਹ ਹੇਰਾਕਲੀਟਸ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਐਕਡੈਮਿਕਸ ਇਹ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮਾਊਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਇਆ ਹਰਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਾ ਲਓ ਚੰਗਾ ਗੁੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮਸਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਹੂ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਉਸੇ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਤੋ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਪਲ ਪਲ ਛਿਣ ਛਿਣ ਬਦਲਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪਲ ਪਲ ਛਿਣ ਛਿਣ ਬਦਲਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲਿਖੇ ਬਾਜੂ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈਏ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੈਵੀ ਨਾਦ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਤੋ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1599 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1604 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 1599 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 1601 'ਚ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1604 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ 24 ਨੇ ਤੀਰਥਾਂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂਕਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24ਵਾਂ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਤੋਂ 972 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਤੋਂ 972 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵਲਬੀ ਅਤੇ ਵਲਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੇਵਰਿਧੀ ਦੇਵਰਿਧੀ ਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 972 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋਰੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋਰੋਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵਰਿਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
अजिहा धर्म ग्रंथ कुल दुनिया नूं समझ लगे जिहदे विच कोई प्लस माइनस की कोई शंका ही ना कीती जा सके। भुला चुका दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जिन्होंने बड़े विस्थार सहित धर्म ग्रंथ की आरंभता और खास तौर पर बाकी धर्म ग्रंथों की गल समझा के धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की आरंभता की जानकारी बड़े विस्थार दे विच दित्ती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने साडे नाल आप ही इत्थे गल्लां करदिआं करदिआं इह वादा कर लिया भी आने वाले समय विच भी इस सैशन विच फिर आणगे साडे कोल डॉक्टर साहब, तां जो इह जिहड़ा विशा अजे इनकंप्लीट है इस नूं असीं कंप्लीट करांगे। मैं हुण बेनती करांगा गुरमत कॉलेज दे चेयरमैन वीर जतेंद्रपाल सिंह जी गोल्डी वीर जी, भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी जो बड़े महान कीर्तनीय ने और गुरमुख कॉलेज के नाल जो गुरबाणी संगीत अकैडमी है उसनों भी संभाल रहे हैं, गुरमुख कॉलेज की सेवा पिछले लंबे समय तो संभाल रहे हैं, डॉक्टर साहब का सन्मान करनगे। आवाज़ कहती है डॉक्टर साहब नूं सन्मान चिन्ह भाई साहब जी ते चेयरमैन साहब बोले सो निहाल। डॉक्टर साहब के नाल आए हुए जड़े वीर ने उन्होंने भी सरूपा की बख्शिश करनी है। सब तो पहला दिल्ली कमेटी के सबका मैंबर वीर गुरमीत सिंह मीता वीर जी, वह भी डॉक्टर साहब के विद्यार्थी भी रहे ने, बड़ा लंबा समा दिल्ली कमेटी सेवा भी की है, उन्होंने चेयरमैन साहब सन्मानित करे सरदार सुखदेव सिंह जी, सरदार हरकिशन सिंह जी, सुरिंदरपाल सिंह जी, अंगतपाल सिंह जी, वो सारे वीर जिहड़े डॉक्टर साहब के नाल आए ने ये आ जाण। सत श्री अकाल। शवनीत कौर जी, मराको दे विच रहन वाले जसबीर कौर जी, पहला नाम बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर डॉक्टर साहब का। लंगर तो पहला जाने तो पहला मैं बेनती करांगा दो मिनट लई चेयरमैन साहब वीर जतेंद्रपाल सिंह जी सब का धन्यवाद करनगे, उस तो उपरंत आपां नाल जिथे चाह पीन गए सी इत्थे लंगर का इंतजाम है और अगले शनिचरवार सवेरे 11 बजे फिर आप इतने शनिचरवार भी हूँ 11 बजे का ही टाइम है जी, जो पुराने विद्यार्थी ने उन्होंने कितने भुलेखा भी शनिचरवार 2:30 बजे, पर हूँ दोनों दिन टाइम एको ही है 11 to 1, दोनों दिन 11 to 1 के विचकार दो लैक्चर जिवें पहला हुंदे सन ते उस तो बाद लंगर छक के फिर आप अपने अपने घर जावांगे। तो हूँ लंगर तो पहला वीर जतेंद्रपाल सिंह गोल्डी वीर जी सारे का धन्यवाद करेंगे, उस उपरंत आप जी ने लंगर छक करके जाने की कृपालता करनी। एक बार फिर मेरे वालों मैं परसनली तौर पर डॉक्टर साहब का धन्यवाद भी करना चाहवागा कि इन्होंने मेरी बेनती नू, मेरी रिक्वेस्ट नू एक्सैप्ट किया। तो एक धन्यवाद मैं होर करना है, साढ़े विच रविंदर कौर बैठे ने
गोल्डी वीर जी दे वाइफ वह भी विशेष तौर पर आए, उन्होंने भी धन्यवाद है। तो आने वाले समय में भी होरना भी नाल लैके इतने आप सारिया ने पहुँचना है, क्योंकि अज पहला दिन होने करके संगत घट है, जिन्हों को मैसेज अजे नहीं पहुँच पाया क्योंकि अजे अज शुरुआत है। आप सारिया ने जिथे तक मैसेज में आप पहुँचा सको इस मैसेज में पहुँचाओ, ता जो आने वाले दिनों में आप आने वाले विद्वानों के कोलों इस तरह के विचार सरवण करिए, अपनी सांझ गुरु नाल वधाइए। गोल्डी वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे का कोटानपुर धन्यवाद। सब तो ज़्यादा धन्यवाद है सरकार जो डॉक्टर साहब का, जिन्होंने अपने रुझेवे चो समा कढ़ के सानू इत्थे आसीस देने वास्ते, और बहुत ही क्या किस्म ने कि बहुत बहुमुल्य जिन्हों कह सकते कीमती अपने जो शब्द सू साझे किए हैं और नॉलेज दी है, वो विचार सब दिते ने जिंदी मैं समझना सू अज बहुत लोड़ है। और जिहड़ी भी संगत ते पहुंची है मैं सारे का तह दिलों धन्यवाद करना बेनती करना कि जिन्हें सज्जन आए हो कोशिश करो कि आने वाले सेशन के अंदर आप जी सारे के सज्जन नाल प्रेर के होर लैके आओ, क्योंकि सानू गुरु साहब ने जिहड़ी दात बख्शी है असीं सामने तह लेकिन अगर वंडनी भी है। और ये वास्ते असीं जो प्रोग्राम उलीके ने साडा प्रोग्राम सारा यूट्यूब चैनल भी साडा इत्थे चल रहा है, फेसबुक ते भी चल रहा है, और नाल दो चैनल इन प्रोग्राम सारा लाइव कर रहे हैं। तुसी कई नूं किसी नूं अगर आप जो है चैप्टर दोबारा देखना चाहते हो जिहड़ा आप जी ने सारा सुने लैक्चर सारा, यह लैक्चर आप जी जाके यूट्यूब के उत्ते फेसबुक से जाके यह सारा दोबारा भी आप जी स्टडी कर सकते हो। और उस तो अलावा बेनती है कि अगले आने वाले सारे प्रोग्राम शनि ते इतवार का टाइम तुहानूं दस दिता गया, बिल्कुल सेम टाइम किया गया। जिन्हां नूं कोई आने की प्रॉब्लम होवे ते मैट्रो स्टेशन तो लैके इत्थे तक असीं बसां दा इंतजाम भी आप जी दा करवा देंगे। और संगत जी बेनती है कि आप जी आने वाले सारे जितने भी प्रोग्राम ने इसे नाल नाल जिस तरह डॉक्टर साहब को असी प्रोमिस लिया कि असी बहुत जल्दी साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 400 साल प्रकाश को समर्पित एक वड्डा सैमीनार इतने करा जा रहे हैं, जिहड़ा कि साडा ऑडिटोरियम जो है बहुत वड्डा तकरीबन 500-100 बंदे प्राणियों की उत्थे कैपेसिटी है, उत्थे असी वड्डे तो वड्डे विद्वान बुला के डॉक्टर साहब की हेल्प पूरी लवेंगे। और जो बेनती की है कि असी डॉक्टर साहब अगर कि सानू तुसी अपनी उंगल फड़ा दिओ असी मगर मगर तुर के आने वाले समय च वड्डे तो वड्डे उपराले कर सकीए, साडी इह कोशिश है। आए सारे पत्व के सजदा का सत्कार जो भीर हरपाल जी का जिन्होंने सारे उद्यम सहयोग दिता है, सत्कार जो भाई साहब हरजीत सिंह जी का भीर मीता जी का सारे का कोटान को धनवाद असीस बख्शना उइया पुला मेरी चोली पाना वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। तुसीं पेज नोट कर लो जी, गुरमत कॉलेज गुरद्वारा माता सुंदरी के नाम से फेसबुक उपर पेज बनाया गया जिसे ते सारी इनफॉर्मेशन आप जी को मिलेगी। और यह सारा प्रोग्राम सिखी चैनल सिंह रेडियो स्काई चैनल इंटरनेशनल इन्हां ते लाइव हो रहा है, और आने वाले दिनों में गुरमत कॉलेज के यूट्यूब उपर भी यह लाइव होएगा। जूम की आई डी भी आप जी आप जी के जो नंबर है वह मैसेज आप जी को भेज दिता जाएगा, ता जो जिहड़े व्यक्ति इत्थे नहीं आ पाएंगे आप जी अपने लिंक्स के जिहड़े दूसरे शहरों में रहिंदे ने उन्हां नूं भी यह यूट्यूब की आई डी दे जूम की आई डी दे के उन्हां दी रजिस्ट्रेशन करवा के तुसीं उन्हां नूं ज्वाइन करवा सकते हो, ता जो असीं घर बैठे भी इन्हां विचारां दा आनंद माण सकीए। सो एक बार फिर सब का बहुत बहुत धन्यवाद, सत्कारयोग डॉक्टर सरमजिंदर सिंह जी का, गोल्डी वीर जी का जो एक नवा उपराला अज दोबारा आरंभ होया जो पिछले समय तो रुकिया सी, आने वाले समय में इस उपराले नूं आपां होर अगे वधाउणा है। आप सारिआं दे सहयोग दे नाल तुहाडे सहयोग की आस दे विच असीं इस प्रोग्राम नूं होर वधिया तरीके नाल अगे कर सकांगे। गुरु साहब कृपा कर, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु का लंगर छक करके जाने की कृपालता करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।